छत्तीसगढ़ में उठापटक के बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पार्टी ने किया है उसके लिए धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मैं सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आभार व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं, कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने इसके मद्देनजर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आपको बता दें कि सीएम बघेल पिछड़ा वर्ग से आते हैं, छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस सरकार लाने में महत्वपूर्ण श्रेय भी उनको जाता है और भूपेश चुनावी रणनीति के कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी है, मैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अरे कहाँ आ गए आप? वो ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसके पीछे पड़े हैं आप। चलिए आओ के बाद क्या उत्तर प्रदेश अब वहाँ का दौरा भी करेंगे? बहुत जल्द निश्चित रूप से पार्टी जो आदेश देगी उसको करेंगे। तो वही कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के संगठन में कई बड़े बदलाव किए हैं। इनमें नए उपाध्यक्ष, महासचिव और जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। कई निगम मंडलों में जगह पा चुके 8 पदाधिकारियों की प्रदेश कांग्रेस समिति के पदों से छुट्टी कर दी गई है। वहीं 4 जिला अध्यक्षों को भी बदल दिया गया है। ये संकेत पहले ही दिए जा चुके थे, ऐसे लोगों की संगठन से छुट्टी होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को शाम नए नियुक्तियों के आदेश जारी किए। इसके मुताबिक पीसीसी उपाध्यक्ष देवगन, अटल श्रीवास्तव, भानु प्रताप सिंह और पद्म मनहर की छुट्टी कर दी गई है। उनकी जगह पर अरुण सिंघानिया, पीआर खूंटे, अंबिका मरकाम और वाणी राव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। महासचिव के 3 पदों से भी नेताओं की अदला बदली की गई है। तो आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस में ये बड़े बदलाव किए गए हैं और ये लिस्ट आपके साथ इनकी छुट्टी हुई है। प्रदेश कांग्रेस में कई मंडलों में जगह पा चुके 8 पदाधिकारियों की प्रदेश कांग्रेस समिति के पदों से छुट्टी कर दी गई। वहीं 4 जिला अध्यक्ष को बदल दिया गया है। ये संकेत पहले दे दिए गए थे कि इस तरह के बदलाव हो सकते हैं। तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार शाम नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए। इसके मुताबिक पीसीसी उपाध्यक्ष पद से गिरीश देवांगन, अटल श्रीवास्तव, भानु प्रताप सिंह और पद्म मनोहर की छुट्टी कर दी गई है। उनकी जगह पर अरुण सिंघानिया, पीआर खूंटे, अंबिका मरकाम और वाणी राव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि महासचिव के 3 पदों से भी नेताओं की अदला बदली की गई है। तो ये बड़े बदलाव प्रदेश कांग्रेस में किए गए। मनमोहन नेता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनमोहन, जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस में ये बड़े बदलाव किए गए हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या बातें चल रही हैं अंदर खाने, क्यों जरूरत आन पड़ी इस बदलाव की? देखिए मोनिका, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का जो बयार चल रहा है, नेतृत्व परिवर्तन की जो सुर्खियों में नेतृत्व परिवर्तन का जिस तरीके से अभी खबरें अटकलें लगाई जा रही है, उस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में एक बड़ा बदलाव किया गया है और बदलाव होना भी था, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उन्हें निगम मंडल में जिम्मेदारी दी गई थी, तो कहीं ना कहीं दोहरी लाभ, तो दोहरी जो जिम्मेदारी है वह उससे उन्हें मुक्त करना था। और मैं बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं जिन्हें प्रदेश कांग्रेस में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, तो उन्हें निगम मंडल में भी जिम्मेदारी दी गई थी, तो कहीं ना कहीं यह एक से उन्हें मुक्त किया गया है संगठन से और उन्हें निगम मंडल में जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई, तो उस जो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए अन्य जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, ऊर्जावान कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, सीनियर जो नेता हैं, उन्हें संगठन में जगह दी गई है। मोनिका, बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने बताया मनमोहन के यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बदलाव किए गए हैं, तो क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, कयासों का जो बाजार है वो गर्म है, क्योंकि यहाँ माना जा रहा है कि हो सकता है कि सीएम बघेल को लेकर किसी तरह की कोई बड़ी घोषणा की जाए, कितना संभव है ये?
मोनिका, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखा जा रहा है, जो विधायक हैं वो आए दिन एक एक विधायक दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, और दिल्ली में विधायकों का जमावड़ा है वह तो चल ही रहा है, और जो सियासी ड्रामा है छत्तीसगढ़ का वह जिस तरीके से करवट लेगा यह तो आने वाला समय बतलाएगा। लेकिन जो संगठन में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है वह स्वाभाविक सी बात थी, और जो कार्यकर्ता है उन्हें जिम्मेदारी मिलनी ही थी, क्योंकि जो अन्य जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उन्हें निगम मंडल में जिम्मेदारी दी गई थी, निगम मंडल में उनकी जिम्मेदारी के बाद जो जगह खाली पड़ी थी उस जगह पर पूर्ति भी करना था। तो जो सीनियर लीडर है उनकी पार्टी को जमीनी तौर पर जमीनी स्तर पर और मजबूत करने के लिए इस तरह के बदलाव किए गए हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा होता है, वही एक तरीके से ठोस बेस होता है। निश्चित तौर पे मोनिका बताना चाहूंगा कि प्रदेश में जिस तरीके से सियासी उठक पटक चल रही है उस बीच कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस में एक संगठन जिम्मेदारी भी देनी थी, तो इस लिहाज से इन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। मोनिका चलिए शुक्रिया आपका मनमोहन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने बेमथुरा वासियों को करोड़ों की सौगात दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला अस्पताल से स्थापित 500 LPM क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया, साथ ही डायलिसिस सुविधा का भी शुभारंभ किया गया। इससे बेमथुरा जिला चिकित्सालय में डायलिसिस सुविधा की पुरानी मांग भी पूरी हो गई। अस्पताल में ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले गंभीर रोगियों को अब सहजता से ऑक्सीजन की आपूर्ति भी अस्पताल प्रबंधन करा सकेगी। बेमथुरा जिला चिकित्सालय में स्थापित इस ऑक्सीजन प्लांट में से 500 लीटर प्रति मिनट से शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति सीधे वार्डों के लिए किए जाने का सिस्टम तैयार किया गया है। इस ऑक्सीजन प्लांट में अत्याधुनिक वैक्यूम प्रेशर एडसर्वेशन मशीन लगाई, जो कि हवा में मौजूद अवांछित गैसों को छानकर शुद्ध ऑक्सीजन बनाता है। ये 3000 लीटर तक भंडारण क्षमता का टैंक भी स्थापित किया गया, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित ना हो और संयंत्र के सुचारू संचालन में ऑक्सीजन संयंत्र में विद्युत अवरोध की स्थिति में प्रबंधन के लिए ध्वनि रहित बिजली जनरेटर भी लगाया गया है। तो वहीं बेमेतरा में 2 दिवसीय दौरे पर थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। यहां प्रेस वार्ता में सीएम बघेल ने पत्रकारों की प्रेस वार्ता में वो शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सरकार की कई योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया, साथ ही बेमेतरा जिले के को 477 करोड़ की सौगात देने और एथलीट प्लांट की भी खोले जाने की जानकारी दी। गोबर से बिजली बनाने से होने वाले फायदों की भी जानकारी पत्रकारों से, उद्योग भी खोले जाने की बात कही, ताकि जिले के लोकल मजदूर बाहर जाकर कार्य ना करें, जिससे जिले में ही कार्य मिले और बाहर पलायन में जो होने वाली समस्या से मजदूरों को परेशानियाँ होती हैं उससे बचा जा सके। लगभग 10 लाख जो भूमिहीन श्रमिक है उसे 6000 रुपये वार्षिक उनको राशि दी जाएगी। गोबर खरीदे, 12 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का निर्माण हुआ, 10 लाख क्विंटल के आसपास विभिन्न विभाग और किसानों को विक्रय किया गया। जहां जमीन का स्वास्थ्य में सुधार होगा, लगातार रासायनिक खाद डालने की उर्वरा शक्ति कम हो रही है तो सॉयल हेल्थ में सुधार होगा, वहीं जो उपभोक्ता है उसे शुद्ध अनाज फल सब्जी मिल पाएगा, जिससे बहुत सारी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां होती है कि ना सकते हैं कि BP, शुगर, हाइपरटेंशन और कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती है जिसका कारण हम लोग समझ नहीं पाते। छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान के बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। ये माना जाना चाहिए अभी किसी को जानकारी नहीं है, हाईकमान का निर्णय सबको मान्य होगा, सभी 70 विधायक एक साथ हैं। सिंहदेव ने कहा कि ये सब आलाकमान निर्णय करता है, जब भी होगा पता चल जाएगा, सभी 70 विधायक हाईकमान के निर्णय को मानेंगे। सत्तर के 70 जो विधायक हैं सब एक राय के, कोई अलग वाय के नहीं, राय के नहीं है। 20, 30, 40, 50, 60 मत मानिए, 70 के 70 के हाई कमांड जो निर्णय करेगा वही सारे के सारे विधायक मानेंगे। कमिटमेंट की बात नहीं होती, ये सबके सामने ये घटनाक्रम हुआ था
कि चुनाव के बाद में चार लोगों को दिल्ली बुलाया गया था जी। चार लोग थे, चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, भूपेश बघेल जी और टी ए सिंहदेव। तो ये चारों को किस लिए बुलाया था? मुख्यमंत्री बनाने के पहले इनसे चर्चा की, तो ये चर्चा में बात आ गई, मीडिया में बात आ गई कि चार लोग संभावित हैं। एक खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।